दोस्तों मैं हूं बागड़ धाम में और बागड़ धाम में आज इस साल की सबसे बड़ी जो ध्वजा यात्रा है, निशान यात्रा है, वो आ चुकी है। ये देखिए गगनचुंबी एक निशान है, वो बागड़ धाम पहुंचा है। ये सब के सब भक्त जो पहुंचे हैं इस निशान यात्रा को लेके, ये गुजरात से आए हैं और नाश्ते गाते हुए इस भारी भरकम बाबा के निशान के साथ आप देख रहे हो वीपीएन गार्डनिंग एंड टूरिज्म के साथ बागड़ धाम से लाइव कवरेज। और दोस्तों ये बाबा का जो निशान बनाया है इन्होंने, जो पूरे के पूरे मोर के पंखों से बनाया है, ये देखिए ऊपर सूरज चमक रहा है और इसके नीचे ये गगनचुंबी बाबा का निशान। और इसका वजन भी दोस्तों काफी ज्यादा है। देखिए जब ये नाचते हैं तो कैसे ये लहरा रही है, जैसे मानो मोर नाच रहा हो। ये देखिए दोस्तों बाबा की सफेद ध्वजा के साथ निशान यात्रा बागड़ पहुंच चुकी है। ये बागड़ का नजारा, सुबह सुबह का दृश्य देख रहे हो दोस्तों। ये देखिए कैसे लहरा रहा है ये निशान। ओ जो भक्त है वो इसको लेकर नाचते हुए गाते हुए आप देख पा रहे हैं। ऐसे दृश्य दोस्तों अभी आगे से आगे हमें देखने को मिलेगा। अभी सावन है और अगला महीना है वो भादवे का है और उस वक्त ऐसे काफी ज्यादा निशान बागड़ धाम पहुंचने वाले हैं। दोस्तों बागड़ धाम की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए वीपीएन गार्डनिंग एंड टूरिज्म को सब्सक्राइब करें ताकि पूरा का पूरा बागड़ मेला है वो आप घर बैठे देख सको। और यहाँ एक दूसरा साथी है इन्हीं का जो निशान यात्रा है उसको उठाने के लिए तैयारी कर रहा है। सुबह सुबह का दृश्य देख रहे हो दोस्तों और इसके बाद का जो दृश्य है वो मैं आपको शाम का दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अभी मुझे ड्यूटी जाना है और आने के बाद फिर यहाँ की जो कवरेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों संध्याकालीन आरती है उसका दृश्य आप देख रहे हो। अभी शाम की जो मंगला आरती है वो हो रही है और भीड़ कितनी है दोस्तों वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बागड़ आज पूरा का पूरा भरा हुआ भक्तों से नजर आ रहा है। बाबा के गर्भगृह में आरती है वो स्टार्ट है और बाहर का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी दोस्तों ये भक्तों की लाइन ऐसे ही लंबी होती रहेगी। ये देखिए दोस्तों मुख्य दरवाजे तक का व्यू मैंने आपको दिखा दिया है और इसके पीछे भी भारी भीड़ है। ये सब के सब बाबा की आरती में शामिल होने के लिए ये भक्त पहुँचे हैं। ये देखिए पीछे तक, ये जूम करके आपको मैं नज़दीक का व्यू दिखा रहा हूँ। सावन के महीने में भक्तों की भारी भीड़ आज हमें बागड़ धाम में वापस देखने को मिली है। दोस्तों मैं आ चुका हूँ गोगा मेढ़ी के निकासी द्वार पे और यहाँ भी भक्तों की जो भीड़ है वो आप देख रहे हो। काफ़ी भक्त यहाँ भी इस प्रांगण में मौजूद है और आगे चलिए आगे
इस साइड का भी व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए इसके नीचे से होके आगे जो भक्तों की लाइन लगी हुई है उसका व्यू दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, पहले मैंने आपको उस साइड से व्यू दिखाया था और इस साइड से भी आप दृश्य देख पा रहे हैं। भारी तादाद में आज भक्त यहाँ बागड़ दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं और ये गोगा मेडी का नज़ारा दोस्तों, वीपीएन गार्डनिंग एंड टूरिज्म के साथ लाइव दृश्य बागड़ धाम से ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। ये देखिए दोस्तों, बाबा की आरती में शामिल हुए हजारों की संख्या में भक्त। दोस्तों यहाँ का व्यू दिखा दिया, मैं आपको ले चलता हूँ बागड़ के बाहर। बाहर से कितने भक्त आपको दिखाई देते हैं उसका भी व्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और उसके बाद मदन जी पुजारी हैं, वो जैसे ही आरती देने के लिए भक्तों के पास आएंगे तो मैं वापस उनका दृश्य दिखाने वाला हूँ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ इन भक्तों के बिल्कुल बैक साइड और यहाँ से बागड़ का नज़ारा है वो आप देख पा रहे हो। लाइनें हैं वो यहाँ तक स्टार्ट है दोस्तों, बागड़ में जैसे ही हम इंटर करते हैं गोगा जी समाधि स्थल पे, वहाँ तक लंबी लंबी लाइनें हैं वो लगी हुई है। ये देखिए दोस्तों, और पीछे पूरी की पूरी रेलिंग है वो भरी हुई नज़र आ रही है। भारी तादाद में भक्त हैं वो सावन महीने में पहुँच रहे हैं और बागड़ के दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों एक बार फिर मैं अंदर आ चुका हूं और जो मदन जी पुजारी है वो आरती देते हुए आप देख पा रहे हो। इसका दृश्य दिखाने के बाद दोस्तों मैं आपको समाधि स्थल के लाइव दर्शन करवाने वाला हूं। एक छोटी सी बाबा की जो झलक है आरती के बाद, वो एक छोटी सी झलक बाबा की आरती के बाद वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों आपको मैं दर्शन करवा देता हूँ। बस होगी